करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस लाइव प्रोग्राम में आमंत्रित किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं लगभग मेरे जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता था तब से ही मैं लिख रहा हूं। हमारा रुझान कायम हुआ तो ये सब कहाँ घटित हो रहा था, कौन सी जगह थी? हाँ, मैं आता हूं उसी बात पर। तो मेरा जो जन्म स्थान है वो नारनौल है, बिल्कुल दक्षिण हरियाणा के बिल्कुल सीमा पर है वो। उसके आगे राजस्थान शुरू हो जाता है। तो हमारी कल्चर जो जो शुद्ध हरियाणवी कल्चर है वो नहीं है हमारी, ना हमारी भाषा मिलती है उनमें राजस्थान का, और वो हमारे जो दक्षिण हरियाणा है उसका एक मिक्स एक बोली बन गई। और मेरा नारनौल में ही सब कुछ लिखाई पढ़ाई सब नारनौल में हुआ। नारनौल कॉलेज से मैंने आगे की शिक्षा प्राप्त की और मैं पढ़ते पढ़ते ही सर्विस लग गया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। उसके बाद मैं 1-1.5 साल रहा, फिर मैंने वो रिजाइन कर दिया और उसके बाद मैं शिक्षा विभाग में आया 1984 में। 7 जून 1984 को मैंने ज्वाइन किया शिक्षा विभाग में। और 2020 31 दिसंबर 2020 को मैं सुपरिंटेंडेंट के पद से रिवाड़ी से जिला रिवाड़ी रिवाड़ी से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और नारनौल में ही ये सब जो भक्ति गीत है ये नारनौल में ही घटते रहे, वहां काफी मैं प्रचलित हो गया इस मामले में। तो चल रहा था, फिर एक दिन एक कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर शिवताज सिंह जी, वो मेरे साथ किसी कार्यक्रम में थे और मेरे साथ मेरे घर पर आए। तो बैठे बैठे बातें हो रही थी तो उन्होंने कहा कि प्रभाकर जी, आप अब ये भक्ति गीतों का रुझान छोड़ करके साहित्य में अपने हाथ आजमाएं। तो चूंकि मैं कवि गोष्ठियों में जाता ही था तो मैंने फिर वो कलम जो भक्ति गीतों की थी उस पर विराम लगा दिया और मैंने एक काव्य संग्रह शुरू किया। तो 2011 में वो मेरी आपका पुस्तक तैयार हुई, एक चेहरा। पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ और इसमें आपने जो कविताएं लिखी हैं उन कविताओं में आपने किन विषयों को उठाया, इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। ये मेरा पहला काव्य संग्रह है, एक चेहरा। दिखाई दे रहा आपको अच्छी तरह से? जी, हाँ, हम लोग देख रहे ये हैं एक चेहरा। आपके संग्रह को। हाँ जी, हाँ, ये मेरा एक चेहरा। और ये नारी के ऊपर ही पूरा केंद्रित है। वैसे तो नारी पे मेरे ख्याल सबसे ज्यादा ही नारी पे लिखा गया साहित्य की लेखनी से, लेकिन मैंने इसमें बहुत कुछ अलग हटके कोशिश करने की थी और उसमें मैं कामयाब भी रहा, ऐसा मेरे साहित्यिक मित्र मानते हैं। तो जैसे इसकी पहली ही कविता, एक बिल्कुल छोटी सी कविता है जहां से मैंने शुरू किया। और ये मैंने क्यों शुरू किया, इसके पीछे भी एक वजह है कि मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था जहां से मेरी शुरुआत हुई, तो वहां एक प्रेमलता शर्मा एक अध्यापिका थी जो हमें पढ़ाती थी, तो उनके जीवन से मैं बहुत प्रभावित हुआ और उनको आज भी मैं अपना आदर्श मानता हूं। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, तो ये मैंने समर्पित भी उन्हीं को की है ये। तो मैंने जो वो नारी पे मैंने लिखने की कोशिश की तो मैंने सोचा यार नारी पे लिखें क्या। तो मेरे दिमाग में आया एक बिंब कि परमात्मा तो है लेकिन सृष्टि विहीन संसार का परमात्मा है। जैसे कोई राजा है, प्रजा है नहीं, किस बात का राज राजा अधिपति किस बात का, ऐसे ही परमात्मा सोचता प्रभाकर कि जी, तू अपने काव्य संग्रह से अपनी एक कविता सुनाए, जो जिस कविता का जिक्र आपने किया है कि ये मेरी हाँ पहली वही मैं कविता थी, उस कविता को सुनाए। तो मैंने शुरुआत की कविता की, उसमें जो पहली कविता जो मेरे मन से निकली जहां से नारी का मैंने एक चित्र उकेरा, ओदा महाशून्य में प्रकल्पित
प्रथम तेरी ही अनुभूति, ईश्वर की भी लगती हो तुम ही प्रारंभिक एक कृति, परिकल्पना में उसके भी बीते होंगे कल्प कई, एकाकार के सृजन में त्रुटि रह जाए ना अल्प कई, सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु पर सहज सहज आकार दिया, तेरी रचना में है नारी उसने सृष्टि का रचनाकार दिया, सृष्टि का रचनाकार दिया। तो मैंने इस छोटी सी कविता से ये शुरुआत की थी इस कविता संग्रह की। गरिमा प्रदान करती है और उसको प्रतिष्ठित करती है हमारी संस्कृति में, हमारे में। और हम आपसे आपकी दूसरी कविता भी सुनना चाहेंगे। तो मैंने नारी सृष्टि की रचयिता है, सर्जक है और उसका जीवन हमारी संस्कृति का प्रमुख स्वर है। बिल्कुल प्रभाकर जी, आप अपनी दूसरी कविताएं भी हमें सुनाएं। तो सामाजिक चेतना के कवि हैं, हाँ जी, इनकी कविताओं में हमारे समाज की जो समस्याएं हैं, हमारे हमारी संस्कृति की जो विशिष्टता है उससे जो स्वर उभर कर इनकी कविताओं में आते हैं, वो इनकी काव्य भाषा को और संवेदना को, अनुभूति को जीवंत बनाते हैं। और आज हमारे बीच ये मौजूद हैं और इनकी कविताएं हम सुन रहे हैं। वर्तमान समय में अब ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं और स्वतंत्र लेखन में संलग्न है और दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रहकर सरस्वती की वंदना में साहित्य सृजन में संलग्न है। इनकी रुचि कविता लेखन के अलावा और भी अन्य दूसरी विधाओं में है, नाटकों में भी इन्होंने काम किया है, नाटक लिखे हैं जी। और जो कविता संग्रह है उससे मैं एक कविता बेटी के बारे में सुनाना चाहता हूं। आशाओं के कमल खिलाएगी बेटी, अंधकार में दीप जलाएगी बेटी, रिश्तों की माला के एक एक मोती को प्रेम के धागे में वो खूब पिरोती है, सृष्टि का स्वरूप यही तो बेटी है, आज गर्भ में चीख रही क्यों रोती है, खुशियों का संसार बसाएगी बेटी, अंधकार में दीप जलाएगी बेटी, आशाओं के कमल खिलाएगी बेटी। तो ये एक इसी संग्रह की कविता से मुखड़ा और उसका एक बंद था। और मैं अब मैं जैसे आपके बताना चाहता हूं कि जब मैं अपने सर्विस काल में था तो मैं मेरे सामने कई ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने मुझे झकझोर कर रख दिया। मात्र 23-24 साल में ही एक नवयौवना विधवा हो जाती है और उस तो उसके ऊपर क्या बीतती है, उस पर फिर मैंने गौर किया और जो हमसे बन पड़ा मैंने अपने साथियों से मिलकर के, ना कोई हमारा कोई संगठन था ना कुछ और था, वैसे ही एक सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए हम आगे बढ़े
और इसमें मेरे मित्रों ने काफी सहयोग दिया। तो हमने कुछ विधवाओं की इस तरह की जो अल्पकाल में जो विधवाएं उनकी हमने शादी करवाई और वह आज अपना अच्छा जीवन जी रही है। बता रहा था ओ हमने काफी जो बच्चे थे गरीबी रेखा से भी नीचे, उनकी फीस भरना, उनकी ड्रेसेज का और स्कूलों में भी सिफारिश करके उनके दाखिले करवाने का काम किया। जहां भी हमें लगा उनमें महिलाओं का समाज में उनकी भूमिका, उनका जीवन स्वर, उनके सुख दुख, ये सब बहुत ही प्रमुखता से चित्रित हुए हैं। इस संग्रह की सारी कविताएं नारी जीवन चेतना की कविताएं हैं और इस रूप में राजेश प्रभाकर का काव्य संग्रह हिंदी कविता का एक बहुत ही विशिष्ट काव्य संग्रह कहा जा सकता है। ऐसे नारियों के बारे में कविताएं तो सभी कवियों ने लिखी हैं और मैत्री शरण गुप्त की जो कविता है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, निराला की कविताओं में भी आपने पढ़ा है तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता और महादेवी के काव्य में तो खैर। और प्रभाकर जी आप अपनी कविताएं सुनाए, अपने बारे में बताएं। हाँ मैं तो लगातार मेरा सही चल रहा, अपने बारे में बताइए और अपनी कविताएं सुनाइए। हाँ जी, तो नारी चेतना में ही मैंने वो इसमें जो आपने बताया कि निराला जी और मैथिली शरण गुप्त महादेवी जी, तो उन पे ही मैंने चलने की कोशिश की थी। तो उनकी दो दो लाइन में आपको बताता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि इस नारी चेतना में हमारे कहाँ स्वर मुखरित हुए। तो वो जो सीता का कैरेक्टर है जो राम के साथ था, आज एक सीता राम को देखे तो राम कहाँ मिलेगा, तो मैंने वहां उसमें एक कविता है मेरी कि मिलेंगे तुझको राम कहाँ, मिलेंगे तुझको राम कहाँ, लक्ष्मण की नीयत बदली। और आज तो खैर अयोध्या का मामला ये सुलझ गया, तो उस समय की बात है। मिलेंगे तुझको राम कहाँ, लक्ष्मण की नीयत बदली, मंदिर मस्जिद के झगड़े में साकेत की हालत है पतली। तो ये एक मेरी इस कविता में ऐसा था। और एक कविता में था कि दुर्योधन सी आंखों वाली भीड़ में, दुर्योधन सी आंखों वाली भीड़ में सहमी सहमी चली जा रही पांचाली। तो इस तरह का मेरा स्वर मुखरित हुआ इन कविताओं में, जो विषमताएं जो विसंगतियां नजर आई समाज में नारी के प्रति, उनको मैंने चित्रित करने की कोशिश की है। और इसी तरह फिर मैंने लगभग 600-700 के करीब मैंने दोहे रचे हैं और मेरे दोहों में भी मेरे लेखन में जो सामाजिक विसंगतियां हैं, असामाजिकता, न्याय संगत न होना, वो बातें उभर कर आई हैं। तो मैं कुछ दोहे पेश करता हूं आपके सामने कि आप देख रहे होंगे कि आज के समाज में न्याय का क्या हाल है, क्या सही मायने में न्याय मिल पाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सही होते हुए भी गलत ठहरा दिए जाते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता, क्योंकि जो न्याय करने वाला है वो ऐसा व्यक्ति होता है कि वो खुद ही दोषी होता है, तो वो क्या न्याय करेगा। तो इसमें मैंने लिखा, सहमे सहमे हंस हैं मोती चुगते काग, निर्णायक जब वाज हो कौन करे संभाग, रे बंधु कौन करे संभाग।
और दूसरा, जिसके मन में खोट था जो था बेईमान, जिम्मा उसको ही दिया बाटे एक समान, रे बंधु बाटे एक समान, दागदार बेखौफ है दहशत में बेदाग, कौन सुनेगा हंस की भरे सभा में काग, रे बंधु भरे सभा में काग, देखेगा बाजार तो केवल तेरी जेब, चाहे तू ही मान ले या फिर ले ले मेरे भाई, या फिर ले ले। और एक भ्रष्टाचार पर मैंने चित्र अंकित किया है कि कैसे एक खबर जो कि आनी थी अखबार में मुख पृष्ठ पर, लेकिन कैसे संपादक बिक जाते हैं, कैसे सौदा कर लिया जाता है, जो गुंडे और जो दौलतमंद आदमी हैं वो अखबार में छपते छपते उस अपनी खबर को रुकवा देते हैं। छपते छपते रोक दे संपादक अखबार, लालच की स्याही लिखे कैसे भ्रष्टाचार, रे भाई कैसे भ्रष्टाचार। तो ये कुछ दोहे थे और राजेंद्र जी का तो पता नहीं नेट का क्या हाल है, वो आएंगे जब उनसे बातें होंगी, इतने में आपसे मुखारबिंद हूं। तो मैं अब आपको एक ऐसी गजल की तरफ लेके चल रहा हूं कि जिसमें आप महसूस करेंगे कि ये कहीं ना कहीं हमारे साथ भी होता है, रिश्तों में अपनेपन में कुछ ऐसा हमारे साथ घटित होता है कि जो वो मैं इस गजल में आपको, तो राजेंद्र जी मैं एक गजल पेश कर रहा हूं। बहुत सुंदर। हाँ हाँ तो सर, गजल सुनाइए। हाँ, उसमें जो दर्द छलकता है एक आदमी का कि कौन अपना है कौन पराया है, किसको अपना कहें, तो सर तो दर्द ही रहता है, मन की पीड़ा व्यथा वो कभी हाँ गंजवाएं हाँ हाँ गजल में समेटते हैं। हाँ तो ये गजल मेरी काफी वायरल हुई है, ये हस्तिनापुर अच्छा। में पिछले दिनों अनामिका अंबर बहुत बड़ा नाम है, सौरभ जैन, वो उन्होंने उनका था ही कार्यक्रम कवि कुंभ बहुत बड़ा, पूरे देश विदेश से कवि आए हुए थे, तो वहां ये गजल मैंने पहली बार प्रस्तुत की थी और ये काफी सराही गई और ये वायरल हो गई, तो मैं जब भी हम जहां लोगों को जाता भी हूँ ये सुनाइए गजल सर ये मुझे, गजल। हाँ और मेरे मुझे पढ़ने के लिए लोग कहते हैं, तो मैं आपको सुना रहा हूँ। जी शामिल मेरे ही अपने मेरी तबाही में वाह वाह, नाकाम रह गया मैं, मेरी बेगुनाही में शामिल मेरे ही अपने, दोस्तों को जब से मैंने दुश्मनों में देखा, दोस्तों को जब से मैंने दुश्मनों में देखा, किया दर्द ने वाह वाह, इशारा, किया दर्द ने इशारा, है जहर दवाई में शामिल मेरे बहुत ही। और अगली में, दिल की मदारिशों में
पाजी पढ़ा रहे हैं वाह दिल वाह, बहुत के सुंदर। मदारिशों में, पाजी पढ़ा रहे हैं। 100% है नंबर आए बेवफाई में, शामिल मेरे ही अपने। और इसमें विशेष ध्यान ध्यान चाहूंगा इस बंद में। अब जान का है दुश्मन, देखो रे वो मेरा, अब जान का है दुश्मन, देखो रे वो मेरा, मन्नत का जिसने बांधा धागा कलाई में, शामिल मेरे बहुत अपने। लिखता रहा जो शायरी दिल के किताब में, लिखता रहा जो शायरी दिल की किताब में, मशगूल है वही उनके पुताई में, शामिल मेरे ही अपने। तो ये मेरी एक गजल थी आज के हालात पर। और मैं समझता हूं कि यदि कोई व्यक्ति इंसानियत को सहेज कर नहीं रख पाता, मानवीय मूल्यों को सहेज कर नहीं रख पाता, संवेदनशील जो व्यक्ति नहीं है वो कभी नहीं हो सकता। कभी संवेदनाओं को, सामाजिक विसंगतियों को, विद्रूपताओं को, इनके मर्म को छूकर ही अपनी कलम चलाता है, वही लेखन आपको या समाज को प्रभावित करेगा। तो जब संवेदनाएं होंगी, मानवीयता होगी, तो ये प्राकृतिक रूप से ये है कि वो आदमी समाज सेवा के प्रति भी उसका रुझान रहेगा। तो मैं चूंकि रह सकते हमेशा से ही भावुक संवेदनशील रहा हूं, और मैंने कि जो जिंदगी है और इसके जो रंग ढंग हैं, यहाँ पर अपनी पसंद की नापसंदगी की बातें भी कहीं पीछे छूटती चली जा रही हैं, और सिर्फ जिंदगी की जद्दोजहद में जी हमें किसी तरह जी से बिल्कुल सही कह रहे उन सबके साथ शामिल रहना है, जो बिल्कुल ना बिल्कुल सही दोस्त कह हैं रहे और ना हैं। ही दुश्मन। तो एक ऐसे ही समय में समाज की पीड़ा को, आदमी के मन को समेट वाले कवि हैं राजेश प्रभाकर। और प्रभाकर जी, अब आप की रचना हमें सुनाएं। एक गजल पूरी नहीं हुई हो तो इस वाह, गजल को भी आप पूरा करें। अब मैं एक एक गीत की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। गीत जो आज हमारे जो देश में, जो देश की आज व्यथा है, वो इस गीत में मैंने कुछ कोशिश की है, तो आप महसूस करेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं कलम पहुंची है या वहां तक। तो ये जो तेरा मेरा में लगे हुए हैं, ये मेरा है तेरा है, देश देश सबका है, और जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल हाँ, तो मैंने इसमें बिल्कुल, कविता में हर तरह की संकीर्णता की भावना जो है वो खत्म हो जाती है। वो देश को नकार के लेकर के वो भी ही यही बात कलम कही है। जा सकती है। कविता बिल्कुल कविता जो है सबका सबकी है, जिस तरह से उसी तरह से देश भी जो है वो सबका है। है, कविता जिस तरह से और जो गलत मनुष्यता है की तो उसके विरासत लिए है, दुनिया की विरासत है, हाँ वैसे ही देश जो है और यहाँ की जो जमीन है, सरजमीन, ये सबकी सरजमीन बिल्कुल है जहाँ हम रहते हैं, साथ साथ जीते हैं। और हमें इस संकल्प को कभी भी नहीं छोड़ना है, एक ऐसे दौर में जब सब तरफ नफरत फैल रही है और सियासत ने हमें बिल्कुल बांटने की एक चाल चली है। ऐसे ही दौर में हम बिल्कुल सही सभी लोग मनुष्यता की डोर में, इंसानियत की डोर में बंधे हुए हैं। और आपका स्वागत है आपकी अगली कविता के साथ। ना तेरा है
नाम मेरा है सबका ही प्यारा अहले वतन, ये सारे जहां से अच्छा है सबसे ही नारा अहले वतन, ना तेरा है ना मेरा है, मैं हिंदू वो मुस्लिम है, वो सिख है वो है ईसाई, अलग-अलग मजहब बेशक हो आपस में हम भाई, न्यारी न्यारी भाषाओं में न्यारी न्यारी बोली है, ईद दिवाली वैसाखी और मने यहाँ पर होली है, ये निर्मल पावन गंगा की, ये निर्मल पावन गंगा की बहती धारा है अहले वतन, सारे जहां से अच्छा है सबसे ही नारा अहले वतन। और अगले बंद में, बदल बदल कर देखे बागवान फिर भी चमन में दहशत है, नफरत के शौकीनों को कहाँ प्रेम की फुर्सत है, ये रंग बदलते गिरगिट जैसे नेताओं का देश हुआ, जिसने जुर्म सहा उस पर। सुंदर संदेश दिया है कि कोई नहीं है यहां पर जहां पर हम हैं, आपस में एक दूसरे के हाथों को थामे हुए ठीक है, चलते हुए, एक बेहद कठिन समय के कवि राजेश प्रभाकर एक बहुत ही हाँ जी सर, चुनौतियों से भरे हुए जमाने में कविता लिखने वाले कवि हैं, और इन्होंने अपनी कविताओं में जो संघर्ष का भाव, जो प्रेम का भाव, मेलजोल का भाव, दोस्ती का पैगाम, इसको इन्होंने प्रकट किया है, और ये हमारी कविता की सबसे बड़ी विरासत है। संदेश जी प्रभाकर जी, आपको इतनी सुंदर गजल के लिए, इतने सुंदर, ये बहुत बहुत धन्यवाद।